नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं खगड़िया के उन तमाम समस्याओं को उजागर करने वाले युवा शक्ति के जिला अध्यक्ष चंदन कुमार सिंह। बेलदौर प्रखंड के पचाट में कोसी और बागमती नदी का जो संगम है और कोसी का कटाव जारी है, जिससे लोग डरे और सहमे हुए हैं। कोसी नदी के कटाव को लेकर काफी कई बार जिलाधिकारी से लगातार मिलते आ रहे हैं और जिला प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिलता आ रहा है, आइए मैं इनसे जानता हूँ। चंदन जी, सबसे पहले बोलता खगड़िया रूम में आपको स्वागत है, आपका स्वागत है। आप बताइए कि क्या समस्या है, आप कटाव को लेकर के काफी चिंतित परेशान। देखिए, हम लोग बेलदौर प्रखंड से आते हैं, जो कि कोसी बागमती का संगम स्थल भी कहा, वहीं कोसी बागमती का मिलन हुआ है, बीपी मंडल सेतु है। उसके बगल में हम लोग बलेठा पंचायत घर हुआ मेरा, उसी पंचायत से हम लोग आते हैं। हम लोग वहाँ के लोग, पचाट और बलेठा के लोग, लमसम हमारे बहुत पहले 7 से 8 बार विस्थापित हो चुके हैं। लोग एक से एक बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है और 5 से 10 साल होते होते वह कट के 7-8 बार विस्थापित हो चुका है। उसके बाद इधर भी बहुत भीषण कटा हो रही थी, जिसको लेकर हम लोग इनसे पहले जो जिला पदाधिकारी से उनसे मिले थे और हम लोग आंदोलन के लिए भी बात हुए, तो जिला पदाधिकारी ने सकारात्मक पहल किया था और अविलंब विभागीय पदाधिकारी को भेज के कटाव स्थल का निरीक्षण करके एस्टीमेट बना के पटना भेजा है, प्रस्ताव गया है यहाँ से पटना। पटना से भी स्वीकृति हुई है कि नहीं हुई है यह जानकारी, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ ही रहे थे। तो देखे, कोसी बागमती का कटाव हम लोग का मुख्य सड़क है, बीपी मंडल सेतु के जस्ट बगल से एक सड़क जाती है, जिससे 4-5 पंचायत है, चोरली, दिघौन, इतमादी, बलेठा, लाखों की आबादी है 5 पंचायत में, उसका मुख्य मार्ग है वह। वह मार्ग के तरफ कोसी बागमती का कटाव बेहिसाब बढ़ रहा है और लगातार हमको लगता है इधर पिछले विगत 10 दिनों में 20 से 25 एकड़ भूमि कोसी बागमती अपने अंदर संभाली है और बहुत नज़दीक आ गई है उस सड़क को। उसी को लेकर आज जो वर्तमान जिला पदाधिकारी आए हैं, उनसे हम लोग आज मिले एक शिष्टमंडल, तो अच्छा पहल हुआ। इनको सारी बात मैं विगत जो पिछले डीएम साहब के समय का था, मैंने सारी बात बताया, सर ऐसी ऐसी परिस्थिति है, अगर वह सड़क कट जाएगा तो लाखों के लोग प्रभावित होंगे। तो उन्होंने क्या कहा है जिला अधिकारी जो खगड़िया के, आप उनको सुन लीजिए। ये सूचना प्राप्त हुई, एक शिष्टमंडल मेरे से मिला भी है वहाँ से और निश्चित रूप से इसमें तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो इस संबंध में जो भी फ्लड कंट्रोल के जो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनको हम लोगों ने सूचित कर दिया है और साथ ही साथ माइनिंग ऑफिसर को भी निर्देशित किया है कि स्थानीय थाना के साथ सहयोग प्राप्त करते हुए वहाँ पर माइनिंग की कोई फर्दर एक्टिविटीज नहीं है, उसको चेक करें और यदि होती है तो उसमें नियमानुसार जो भी विधि सम्मत कार्रवाई वो करें। खुल गया, खुल गया, खुल गया आपके शहर खगड़िया में सोना एवं चांदियों का हॉलमार्क जेवर का शोरूम, पता न्यू गोपाल ज्वेलर्स, थाना रोड, खगड़िया। मिल रहा है बम्पर ऑफर, तो देरी ना करें।